ये वीडियो देखें, तो उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करें। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट प्रोसीडिंग एक्सरसाइज 13.1। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.1 पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट पढ़िए भैया, अपनी बुक सामने रखें। क्या लिखी क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर इस एक्सरसाइज के अंदर, और इसके लिए आपको इसके फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। मैंने बेसिक्स में भी आपको बताया था कि स्ट्रेट का वे आपको ये नहीं बोलेगा कि कर्ल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना। कंडीशंस देगा आपको, एंड यू हैव टू वर्क ऑन कंडीशंस, जिसका भी मतलब मैंने बेसिक्स में डिस्कस की है, उसको ध्यान से देखें, समझें और फिर ये वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो क्यूब के अंदर देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर, जैसे कि ये क्यूब फिगर है, किसी क्यूबिकल फिगर को आपको पेंट करना है, ठीक है। कंडीशन देगा फोर वॉल्स एंड सीलिंग, इस टाइप से दे दे फोर वॉल्स एंड सीलिंग। सीलिंग क्या होता है, हमारी छत होती है, इसको सीलिंग बोलते हैं। इनको पेंट करना है, एक तो चारों वॉल्स को पेंट करना है और एक छत को करना है। मतलब सीधी सी बात क्या है, नीचे पेंट नहीं करना है, फर्श को पेंट नहीं करना है, और ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। क्योंकि आपका जो रूम होता है पेंट करने के लिए वो क्यूबॉइड शेप में होता है ना, तो आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला मैंने ये बताया 2LB 2BH HL, टू कॉमन है। टू कॉमन का मतलब क्या है, सबके इसमें दो दो हिस्से आ रहे हैं, 2BH और 2EHL, ठीक है। अब सपोज करो ये कंडीशन है, पेंट करना है फोर वॉल्स और सीलिंग को, तो ये टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं, तो सारा ये मिला करके टोटल के अंदर क्या क्या आ रहा है, फोर वॉल्स आ रही है, सीलिंग आ रही है और बेस भी आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। बट जब पेंट कर रहे हैं तो हम बेस पर फर्श पर कोई पेंट नहीं करता है, तो उस एरिया को हम स्किप कर देंगे, यानी एक लेंथ पर खत्म हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस में 2HL। इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2LB होता है, 2LB का मतलब छत और फर्श दोनों से है, तो छत पे तो पेंट करना है, फर्श पर पेंट नहीं करना, तो एक लेंथ पर खत्म हो जाएगी ना, तो एक लेंथ पर खत्म होगी, 2 की जगह 1 बचेगी, तो ये काम करना, ठीक है। दूसरा केस सपोज करो ये ऊपर से ओपन है, कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है और ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला है मतलब सीलिंग उसमें इंक्लूड नहीं है, सीलिंग इंक्लूड नहीं है लेकिन बेस तो इंक्लूड है, तो वही बात है एक एरिया कम हो गया, तो उस केस में भी फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा, चाहे एक सीलिंग कम हो जाए, ऊपर वाला कम हो जाए या नीचे वाला कम हो जाए, वो तो एक लेंथ ब्रेथ कम रही है, तो 2LB में से एक लेंथ ब्रेथ बच जाएगी, सीलिंग कम हो रही है या बेस कम हो रहा है, ठीक है। उस केस में भी फॉर्मूला यही रहने वाला है। कुछ ऐसे ही पहले दो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, स्टेटमेंट पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो भाई इसके अंदर आपको गिवन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, डाइमेंशंस गिवन है एल बी और एच, लेंथ जो है आपकी 1.5 मीटर, ब्रेथ आपकी इसमें गिवन है 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर डी। तो पहला काम तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका, क्या ये दोनों मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो पहला काम तो इसी को कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में मीटर बना देंगे तो 0.65 मीटर बन जाएगा, अब तीनों मीटर में, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, यूनिट सेम होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है ये इट हैज टू बी, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, हाँ भाई टॉप से ओपन, तो ये केस आ गया, क्यूबॉइडल है और टॉप से ओपन है, तो फॉर्मूला ये बनने वाला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक शीट की थिकनेस होती है मोटाई, उसको इग्नोर करना है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जब मैंने आपको इसका बेसिक्स कराया तो उसमें बताया था, जब भी आप मेकिंग वर्ड यूज होगा, मेक करना है किसी को बनाना है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अगर ये टॉप से ओपन नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर तो फॉर्मूला लगता है ये पूरा, लेकिन अब ये टॉप से ओपन है यानी एक लेंथ ब्रेथ कम होगी, तो टू में से एक लेंथ ब्रेथ बचेगी, तो फॉर्मूला क्या बना, ये बना, ठीक है। कई जगह आप इसको ऐसे भी देखोगे लिखा हुआ 2HL प्लस बी प्लस में LB, ये की बात है, ये LB तो ऐसे कैसा है, इसमें से मैंने 2H कॉमन ले लिया तो क्या बचा L प्लस बी, और ये क्या होता है हर सरफेस एरिया प्लस में नीचे वाला सरफेस एरिया, एक ही बात है, कैसे भी समझ लो इसको भाई, कर्ल सरफेस एरिया में नीचे वाला ऐड कर दो तो भी यही बनेगा, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, या फिर टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाला माइनस कर दो तो भी ये बनेगा, तो ये दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका
ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा आपका ये 2h × l + t। कॉमन लेने के बाद आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी पड़ जाती है, इसलिए मैं कॉमन लेता हूँ हमेशा। इन दोनों में 2h कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा l + t। अब वैल्यूज पुट कर दो भाई, एच है आपका 0.65, एल की वैल्यू है 1.5, बी है 1.25, प्लस में एल इंटू पी 1.5 इंटू में 1.25। इसको सॉल्व कर दो भाई, कितना बन रहा है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा यानी 13 ही बचा, सॉरी ये बना 2 × 5 = 10, 130, 1, 2 के बाद डेसिमल यानी कि 1.3, ठीक है। ये क्या बना 1.25, अगर इसमें ऐड करोगे तो 5.7 ना, डेसिमल हटा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 1, 2, 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि, ठीक है। डेसिमल हटानी है या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना आपका मर्जी है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, इसको 2 के प्लेस के बाद डेसिमल लगा दूंगा, 6 कैरी, 9.875, तो ये ऐड करके आपका बन रहा है 5.45 लीटर सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। तो ये निकला एरिया। अब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में इसी के। द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर ईट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 m² कॉस्ट ₹20, कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है आपको, अगर 1 m² कॉस्ट का ₹20 है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 m² इज इक्वल टू ₹20, तो कॉस्ट ऑफ इसका क्या आ जाएगा 5.45, इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ठीक है। क्या आ रहा है इसको ऐसे सॉल्व कर दो, इजी पड़ेगा आपके लिए, डिवाइड में 10 है एक कट जाएगा, तो वो 20109 फाइनली द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से करना क्वेश्चन। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 m, 4 m एंड 3 m, एल गिवन है, बी और एस तीनों गिवन है, 5, 4 और 3 है क्या, 5, 4 और 3 m रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले एल है फिर बी है फिर एच है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाई वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम्स एंड द सीलिंग, अभी जो केस बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेम वही आ गया। आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, वो कॉस्ट वाला तो का काम है, पेंट कहाँ कहाँ पर कर रहा है, रूम की वॉल्स पे और सीलिंग पर, यानी बेस पर पेंट नहीं कर रहा है, यानी कि सेम फॉर्मूला लगेगा 2h l + b + l, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फिर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, 7.50 m², 1 m² का कॉस्ट ही है, तो इसको जो है यहाँ से आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बिल्कुल सेम है, अभी करना है ये क्वेश्चन आपको। थर्ड पर आ जाइए, थर्ड में क्या करना है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 m, कोई हॉल है उसका पैरामीटर की होने, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर पैरामीटर क्या होता है 2 × l + b, कितना गिवन आपको 250 m, ठीक है भाई। फिर आगे बोलता है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per m², कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट 10 per m² कितनी है ₹15,000, ठीक है, ये गिवन आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द फोर, तो आपको क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए यहाँ पर, ये देखो 10 per m² की ये है, तो 1 per m² की क्या हो जाएगी, डिवाइड में 10 यानी क्या आ गया 1500 m², ये क्या आ गया एरिया निकल गया अभी यहाँ से, ये समझ में आया भाई एरिया ये कैसे है। देखो बड़े ध्यान से, जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ 1 m² इंटू में एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, पहले दो क्वेश्चन में हमने ये काम किया, बड़े ध्यान से समझना इस बात, पहले जो दो क्वेश्चन किए हैं उन दोनों में टोटल कॉस्ट निकालनी थी, तो हम क्या कर रहे थे एरिया निकाल करके कॉस्ट ऑफ 1 m² से उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही कर रहे थे ना आप,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। तो देखो अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर को डिवाइड में लिया, टोटल कॉस्ट ये मल्टीप्लाई में ना इस हिसाब इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो इक्वल टू में क्या बचा अभी एरिया। क्या किया इस स्टेप में, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल में क्या बचा एरिया, मतलब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ये तो किया टोटल कॉस्ट ये थी 1 मीटर स्क्वायर, क्या खर्च क्या रहता है, दोनों को डिवाइड किया क्या आ गया ए, इस तरह से ठीक है। हाँ जी एरिया है और फिगर जैसी क्यूब वर्ड है क्योंकि ये रेक्टेंगल तो गिवन है उसकी हाइट भी है, अगर रेक्टेंगल की हाइट बन जाए तो क्यूबॉइड बन जाता है और क्यूबॉइड का कर्ण सरफेस एरिया 2 × 12 + b × h ये होता है, इसके इक्वल है 1500 के। यहाँ पर मैंने टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया क्योंकि फिगर को बना नहीं रहे हैं, मेक नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ हाइट, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है और बॉल्स की बात हो रही है, बॉल्स का मतलब हमेशा ही कर्ण सरफेस एरिया से होता है, ठीक है, यानी कि कर्ण सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो ये आपकी इक्वेशन वन है, यहाँ से देखो 2 × 12 + b इसकी वैल्यू अपने पास है कितनी 250, तो ये 250 यहाँ पुट कर दो 2 × 12 + b की एच ऐसे का ऐसा इक्वल टू 1500, तो एच इज एवरी मल्टीप्लाई से अगर डिवाइड हो जाएगा 250 जीरो से जीरो कटा क्या बन गया 6 मीटर या सेंटीमीटर मीटर, तो 6 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो टू नॉट डिस्टर्ब। यस वी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बड़ी तेज बारिश आ रही है बाहर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी 4 स्टार्ट करते हैं, शायद आवाज भी आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत। देखिए क्या इसमें द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोई कंटेनर है बहुत सारा बहुत बड़ा, उसमें इतना पेंट है कि वो कितने एरिया को पेंट कर सकता है 9.375 मीटर। मान लो ये वो कंटेनर है, ऐसे मान लिया मैंने केस से, ठीक है, इस पूरे बर्तन में इतना पेंट है कि वो इस एरिया को आसानी से पेंट कर सकता है। तो हाउ मैनी ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें ऑफ डाइमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कह रहे हैं इस पेंट से जितना ये पेंट है हम कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, मतलब आपको सीधी सी बात है ईंटें निकालने कितनी ईंटें, तो क्या बनेगा, मैं मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स एन मान लेते, ठीक है। तो कैसे निकल सकते हैं एन इंटू में एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया यही है भाई, नंबर ऑफ ईंटें निकाल लिया, मैं क्या करूँगा एक ईंट का एरिया निकाल लूँगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इक्वल टू हमें दे रहता है, तो ये एरिया ऑफ वन ब्रिक इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ओवरऑल आप आपका काम क्या है एरिया ऑफ ब्रिक निकालना है और ब्रिक के डायमेंशन आपको बी बना दी 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 × 7.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है ये एल है ये बी है और ये है, तो ब्रिक का एरिया निकालना है, तो ब्रिक तो थिकनेस होती है पूरी की पूरी, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा डी एस से, तो निकालोगे 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, तो 2 × में एल है आपकी 22.5 ब्रेथ है 10 ब्रेथ है फिट कैन हाइट है 7.5 और हाइट है 7.5 और ब्रेथ है 22.5, ठीक है, ये बन गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 225 वाइड में 10 करोगे ऐसे बनाएगा कट गया, ये क्या बन गया 75 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो 75 को इसको, तो ये आ रहा है 75861 ये बन, ठीक है। अब इनको पूरे को ऐड करते हैं, ये बन जाएगा आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया ना, क्योंकि यहाँ से एक ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में
ब्रिक तो, और ये तो एरिया गिवन है, ये आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है ना, तो इसके लिए ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया और वो मीटर स्क्वायर में, तो आप एरिया निकल के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा एन इंटू में एरिया ऑफ वन ब्रिक, क्या फाइंड आउट किया आपने 937.5 और इक्वल टू में ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और ये क्या मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर कितने हो गए, ठीक है मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 937.5 डिवाइड में क्या आ गया डेसिमल रहता है 1000 और इनटू में क्या 10000 30 ये कटी, यानी क्या हो गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप सारा काम जो है सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है अब यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकालनी है बस, ये मल्टीप्लाई कराकर डिवाइड, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 937.50 ये डिवाइड में है यहाँ पर 937.5 इसके डिवाइड में 10 आएगा डेसिमल टाइम 10 का आ जाएगा ऊपर, तो ये कट गया 10 × 10 कितना आ गया 100, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या बनेगी 100 बनती है, एक बार दोबारा देखेंगे इसको, जो टोटल एरिया पेंट हो सकता है वो मीटर स्क्वायर में है और ब्रिक्स के जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, तो हमने यहाँ पर ब्रिक्स के डायमेंशन से एरिया निकाला, ब्रिक का जो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो एक ब्रिक का एरिया बन गया ये, तो एन ब्रिक का एरिया क्या बन जाएगा एन से मल्टीप्लाई इक्वल टू दिस टोटल एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में था, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया यहाँ से, ये बन गया ये मल्टीप्लाई अगर डिवाइड में तो एन की वैल्यू आ गई, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ।